के बारे में तो मैं क्या बताऊं। हर दिन हम पढ़ते हैं, अभी अभी बुल्ढाना की बात हो गई है कि जहां पे आदिवासी बच्चों को मास्टर लोगों ने ही बलात्कार किया है, और उनकी एक तरफ तरक्की हो गई है, कब मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा देश समझा जाता है, हो सकता है कि वहां भी राष्ट्राध्यक्ष एक औरत हो जाए। हमने तो पहले इंदिरा गांधी को पहले ही बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया था, बेनजीर भुट्टो भी बनी थी और हसीना भी बन गई, लेकिन अमेरिका हमारे पीछे, उस बारे में तो हमारे पीछे, अभी तक कोई औरत प्रेसिडेंट हुई नहीं, लेकिन होगी। मार्गर को रे, मिसेस रे इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर है, मर्केल जो है वो जर्मनी की है, मतलब औरतें आगे तरक्की कर रही है। लेकिन उसके बावजूद क्या हम बोल सकते हैं कि औरतों के बारे में इंसान पुरुषों की नजर बदल गई है? अभी भी औरतों को माल बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, उनको एक इस्तेमाल की चीज समझा जाता है। जिस तरह से औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इससे यह महसूस होता है कि हम अभी तरक्की के रास्ते पे नहीं गए हैं। बेरोजगारी के बारे में तो हम क्या बोले, हमारे महाराष्ट्र में तो आजकल हर जाति के बड़े मोर्चे निकल रहे हैं, और हर मोर्चा यह क्रांति मोर्चा होता है। क्रांति यह शब्द जो है बड़ा सस्ता हो गया है, समझ नहीं, क्रांति शब्द, क्रांति का मतलब ही भूल गए हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं सबसे बड़ी बात यह है कि असली क्रांति क्या होती है यह मालूम करने के लिए यह दिन मनाया जा रहा है, इसको पहले समझ लीजिए। तो हर गली में क्रांति हो रही है, हर गांव में क्रांति हो रही है, हर तालुका में क्रांति हो रही है। क्रांति किसको बोलते हैं यह भी हम भूल गए हैं, और हमने भूलना चाहिए, कोशिश हो रही है। क्रांति का असल मतलब है कि इंसान की सोच में, इंसान के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। ये हुआ है क्या? रशियन क्रांति ने ये किया, जिसका बार बार जिक्र होता है इतिहास में। पहले क्या पढ़ाया जाता था? अलेक्जेंडर द ग्रेट यहां पर आया, इंग्लैंड के राजे आए, मुगल आए, बड़े बड़े सरदारों की बात की जाती थी। आम इंसान का क्या होता है? आम इंसान इतिहास बदलने में क्या भूमिका निभाता है, इसके बारे में हमने कभी सोचा, कभी पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा था। लेकिन 1917 के बाद ये सोच बदल गई, आप समझ लीजिए। 1917 के बाद जिसको हम आम आदमी बोलते हैं, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम आदमी बोलते हैं, गरीब आदमी जो बोलते हैं, जो कुछ नहीं कर सकता, जिसका काम सिर्फ जो रईस है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अभिजन जिसको हम बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट, जो एरिस्टोक्रेट बोलते हैं, उनकी सेवा करना, उनका सुनना, उनके लिए त्याग करना, उनके लिए कुर्बानी देना, ये उनका काम समझा जाता था। उस आम आदमी ने बता दिया कि ये बिल्कुल गलत है, इसको बदलना, यही क्रांति है, और वो 1917 में हुई थी। इसको हमने समझा, आम आदमी को इतिहास का नायक बनाने की बात हुई, और वो 1917 में हुई। 1917 तक ट्रेड यूनियन लड़ रहे थे, ट्रेड यूनियन के अधिकार पाने के लिए लड़ रहे थे। मजदूर बोल रहे थे कि हमको यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए, हमको संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन मालिक क्या बोलते थे, सरमायादार क्या बोलते थे, कि अगर आपको यूनियन बनाने का हक हुआ तो आप मांगे करेंगे, आप तनख्वाह बढ़ाएंगे, आप काम पे पाबंदी लगाएंगे, इससे तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बाजार खराब हो जाएगा, बाजार में हम टिकेंगे नहीं, उसके लिए सरकार ने यह काम नहीं करना चाहिए। लेकिन 1917 के बाद जो मालिक ये कह रहे थे वो सब डर गए। उन्होंने देखा जो मजदूरों को हम यूनियन कर संगठित करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, वो अगर गुस्से में आ गए, वो तैयार हो गए, संगठित हो गए, तो संगठन तो रही बाजू में, हम हमारे से फैक्ट्रियां छीन लेंगे, हमारे से राज भी छीन लेंगे, उनको जरा मदद कीजिए। उसके लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बनाने का निर्णय 1918 में लिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, समझ लीजिए। इतना सोच उनका एक क्रांति से बदल गया कि जो मजदूरों को हक नहीं ये बोलते थे, उन्होंने मजदूरों का हक मान सिर्फ मान लिया नहीं तो पूरी दुनिया के मजदूरों को देने की बात की और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किया। उसका असर यह हुआ कि हिंदुस्तान में भी उसकी उसका जिक्र हुआ, लोकमान्य तिलक ने केसरी में कई लेख लिखे और मुंबई के मजदूरों को बताया कि सी किया क्या कर रहा है रशिया का मजदूर, और मुंबई के मजदूरों ने यह ठान लिया कि हम भी यूनियन बनाएंगे, संगठित होंगे। और उसीलिए 31 अक्टूबर को फिर इसी मुंबई शहर में 1920 में पहली राष्ट्रीय काम मजदूर संगठन, जिसको हम हाईटेक बोलते, उसका जन्म हुआ और लाला लाजपत राय उसके प्रेसिडेंट हुए। ये सोवियत क्रांति की वजह से हुआ। आज हिंदुस्तान के सब मजदूर इकट्ठा होकर हड़ताल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं,
हमारे घरेलू मजदूर हो, आंगनवाड़ी मजदूर हो, ये इकट्ठा होकर मांगे कर रहे हैं, उसके पीछे वो सोवियत क्रांति का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसको हमने समझ लेना चाहिए, इसको हमने आगे लेकर जाना चाहिए। कुछ लोग बड़ी हंसी के साथ बोलते हैं, जैसे हमने तय किया कि 7 नवंबर हम सब लोग इकट्ठा मनाएंगे, तो बड़े उपहास जिसको हम बोलते हैं, बड़े कहने लगे क्या रहा है तुम्हारा भैया, सब खत्म हो गया, जो खत्म हो गया उसकी बरसी क्यों मना रहे हो। तो हमने क्या क्या खत्म हो गया, हमने जिसके लिए क्रांति की थी, वो क्रांति ने जो सवाल खड़े किए थे उसमें से कौन सा सवाल खत्म किया है आपने बताइए, सरमाएदारी क्या भूखमरी खत्म किया आपने, क्या जो युद्ध करते हैं और कई लाखों लोगों को आप मारते हो, एलेप्पो हो, मोसुल हो, यमन हो, आज जो बमबारी करते हो, गरीबों को मारते हो और फिर हमको चित्र बताते हो कि कैसे बोट डूब रही है और कैसे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, क्या ये खत्म किया आपने, बेरोजगारी को खत्म किया, दुनिया की पूरी संपत्ति जो जमा होती है वो कई लोगों के हाथ में, सिर्फ 2-3% के लोगों के हाथ में, अमेरिका में जिस अमेरिका में इतनी रईस अमेरिका समझी जाती है, वहां पे 99% 1% की लड़ाई चालू है, वहां के तरुण यंग नौजवान बता रहे हैं कि पूरी दौलत जो है कुछ लोगों के हाथ में जा रही है और बाकी सब कर्जा लेकर जिंदा रह रहे हैं, चाहे यूरोप हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, सब जगह पर यही हालत है। तो ये सवाल तो वैसे ही खड़े हैं। और दूसरी तरफ फिर क्या बात हो रही है, हमारे मनमोहन सिंह साहब थे जिनको हम 1991 के जो नई अर्थनीति आई उसका नेतृत्व देते हैं, उनको भी कहना पड़ा 2010 में 2007 में कि हमारे विकास को इंसानियत इंसान का चेहरा देना पड़ेगा, ग्रोथ विथ ह्यूमन फेस, मतलब उनको मंजूर करना पड़ा कि हमारे विकास में हमारी जो जीडीपी बढ़ रही है उसमें इंसानों की कोई कीमत नहीं है, ये उनको मंजूर करना पड़ा। और हमारे जो पीछे फोटो है जिसका जिक्र किया गया, वो तो दिन रात सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसका विकास वो कर रहे हैं, किसको प्लेन में लेकर वो जाते हैं, अडानी को ये सबको हमको मालूम है, किसके विकास की बात कर रहे हैं ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी उनकी भाषा जो है सबका साथ विकास की है। क्यों? क्योंकि 1917 में मजदूरों ने बताया था, किसानों ने बताया था कि अगर हमको छोड़कर आगे जाओगे तो तुमको हम नीचे खींचेंगे, ये किसानों ने, मजदूरों ने बताया था। इस क्रांति का वो महत्व है, वो हमको लोगों को बताना है। आज कई मोर्चे निकल रहे हैं, ये मोर्चों में सब प्रकार के लोग हैं, कुछ किसी को विकास जो हुआ है उससे ज्यादा विकास चाहिए, किसी को कुछ नहीं मिला उसको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ इससे जरूर मिलेगा, लेकिन ये जाति के नाम से अगर बंटवारा हुआ तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, इकट्ठा होकर ताकत बतानी पड़ेगी। किसान खुदकुशी कर रहा है इसलिए कर रहा है कि नई अर्थनीति में किसानों को लूटने की साजिश है, हमारी कृषि क्षेत्र को लूटने की साजिश है, हमारी जमीन लूटने की साजिश है, हमारे को हमारी जो ताकत हमने तैयार की थी पिछले 60 साल में स्वयं पूर्णता की, उसको खत्म करने की बात है, उसके खिलाफ हमको खड़ा रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, इसका विरोध करना तो गलत है, हमने कभी कर लाल वोट वाले तो कभी करेंगे नहीं, जो सोवियत क्रांति को मानते हैं वो कभी करेंगे, लेकिन सोवियत क्रांति के बाद टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल सोवियत यूनियन ने किया उसका कई जिक्र यहां पर हुआ। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में सोवियत यूनियन ने जो मदद की उसका भी जिक्र हुआ है, तो टेक्नोलॉजी के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन बुनियादी जो सवाल हमारे सामने इस क्रांति ने जो खड़ा किया है, जो बार बार इस क्रांति हमको पूछती है, वो ये कि इंसान काम करता है, पैसे कमाता है, टेक्नोलॉजी करता है, वो किसके लिए? सिर्फ मुनाफे के लिए, क्या इंसान की तरक्की के लिए? समाजवाद और पूंजीवाद के कई कई अर्थ आपके सामने रखे गए होंगे, लेकिन सही सवाल यह है कि इंसान, सब इंसान मिलकर जो काम करते हैं उसका फायदा इंसान को होना चाहिए, अगर होता है तो वो समाजवाद, और सिर्फ मुनाफे के लिए होता है तो वो पूंजीवाद, ये हमारा कहना है। मुनाफा नहीं चाहिए ऐसा हमारा कहना है, लेकिन मुनाफा पहले कि इंसान पहले, ये हमारा बुनियादी सवाल है, जो सोवियत क्रांति ने यह कहा था कि इंसान पहले मुनाफा बाद में, यह बुनियादी सवाल है। और ऐसा समाज अगर हमको तैयार करना है तो हमारे को सब मेहनत के शवाम को इकट्ठा करना पड़ेगा, सब सोचने वाले लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और हमारे देश में आज जो मुश्किलात आए हैं,
जिस तरह से हमारे देश में लोगों के जहन में धर्म के बारे में, जात के बारे में एक दूसरे की नफरत फैलाई जा रही है, ये नफरत जो है वो इंसान को एक इंसान बनाने से रोकती है। इसका मुकाबला हमको करना है। सरमायादारी इंसान को हैवान बना रही है, ये सही सवाल है। सोवियत यूनियन ने इसको रोकने की कोशिश की, ये रोका जा सकता है, ये भी हमको बताया था। 70 साल पूरी दुनिया में वो संदेश देने की कोशिश उन्होंने की। अब दूसरी जब क्रांति होगी तो 100-150 साल होगी, क्योंकि इंसान में हमेशा ये टकराव हमेशा रहेगा। जब तक पूरी तरह से समाजवाद इंसान के जहन में, सोच में आएगा नहीं, जब तक हमेशा इंसान की एक ख्वाहिश ये रहेगी कि दूसरों ने मेरे लिए काम करना चाहिए और मैंने आराम करना चाहिए, ये सोच को बदलना जरूरी है। मगर सोच सिर्फ किताबों से बदलेगी नहीं, सोच सिर्फ गाने से बदलेगी नहीं, सोच सिर्फ भाषण से बदलेगी नहीं। तो सोच कर बदलनी है तो हमारे को दुनिया जिस तरह से इंसान इकट्ठा होते हैं और व्यवहार करते हैं उसको भी बदलना पड़ेगा, और वो बदलने के लिए हमको एक ताकत तैयार करनी पड़ेगी, और ये ताकत किसानों ने, आम सैनिकों ने और मजदूरों ने सोवियत यूनियन में 7 नवंबर 1917 को तैयार की, और उसीलिए वो कामयाब हो सके। हमको भी हमी करना है, यही इतिहास से हमको सीखना है। और मुझे उम्मीद है कि आज का दिन, पूरे 99 साल पूरे हो गए हैं, हम 100 साल पूरे होने का जश्न पूरे साल भर मनाने वाले हैं। और जैसा मेरे साथी मिलिंद भाई ने कहा कि बंबई के एक बड़े मैदान पर हम एक बड़ी रैली करने की सोच कर रहे हैं, सोचना हमारा काम है लेकिन अमल में लाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आप सब लोगों ने यह तय करना चाहिए, सिर्फ तय करना नहीं चाहिए, जो आप जिनको नेता समझते हैं उनको पूछना चाहिए कि भाई अगले 7 नवंबर को हम हॉल में नहीं आएंगे, हम मैदान में आएंगे और हमारी ताकत बताएंगे, क्योंकि बंबई को उस ताकत की जरूरत है, बंबई को उस ताकत की जरूरत है। आज भी बंबई में मेहनत के समान ही काम करता है। एक जमाना था 1960 में जब बंबई का कितनी मजदूर कहता था कि बंबई बंद तो बंबई बंद हो जाती, मजदूरों की बंबई समझी जाती। संयुक्त महाराष्ट्र की जब लड़ाई हुई थी, जब हमारे लाल बहादुर वाले ने यही कहा था कि बंबई ये मेहनत कशों की बंबई रहेगी या सरमायेदारों की बंबई रहेगी, ये लड़ाई थी महाराष्ट्र की, सिर्फ मराठी आदमी की लड़ाई नहीं थी। लेकिन वो ताकत थी उस वक्त मजदूरों को, वो ताकत फिर से हमको खड़ी करनी पड़ेगी, उस ताकत को फिर से दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए ये बहुत सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और ये चुनौती को हम कबूल कर रहे हैं ये बताने के लिए आज का दिन है। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से हम सब लोग इकट्ठा यहां पर आए हुए हैं, हम सब लोग मिलकर इस चुनौती को कबूल करेंगे।